बंदरों को मार के हमारी किसी चौकी के पास में फेंक दिया गया था। इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। रेंजर सर मोतीपुर की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जिसमें रेंजर सर कतरनिया घाट और दो बंदरों का साथ में रहेंगे। इसमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी इन्वेस्टिगेशन में अपना सहयोग देगी और कतरनिया घाट रेंज से डॉग स्क्वाड को भी लाके इसमें चेक कराया जाएगा मौके की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो भी कथित लोगों हैं जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये उनके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया जाएगा। और यदि इसमें कोई हमारे स्टाफ द्वारा भी लापरवाही या जानबूझकर कोई लापरवाही का मामला सामने आता है तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उप प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी एक टीम गठित की थी, उन्होंने जांच आख्या मांगी थी मुझसे, एसडीएम से और सीओ साहब से। उस पर हम लोगों ने मौके पे जाके चेक भी किया। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को देखा था उनके और उनके साथ में जो और भी लोग थे उनके भी बयान रजिस्टर किए गए हैं। इससे ये निकल के आया है कि 10 से 12 की संख्या में कुछ बंदरों को अगस्त महीने की ये बात थी, उसमें किसी आदमी द्वारा हाईवे के पास में हमारी चौकी के पास में आके फेंकते चले गए थे, जिसको स्टाफ द्वारा ऊपर संज्ञानित नहीं करते हुए और विधिक कार्रवाई ना करते हुए उसको अपने स्तर पर रोक लिया गया। इस पे तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए हमने फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड कर दिया है, जो दो वॉचर्स थे वहाँ के उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जो बंदरोगा थे वहाँ पे उनको मुख्यालय पे अटैच कर दिया गया है, रेंजर सर का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो है जहाँ पे इस पे अब हमने डॉग स्क्वाड का भी यूज़ करेंगे और हमने पुलिस महकमे का भी इसमें हेल्प लेके जो भी मिसक्रिएंट है जिसने ये दुष्कर्म जिसने भी ये मिसक्रिएंट ये की है एक्टिविटी जो बाहर से लाके जिन मंदिरों को मारा है और जिस प्रकार जंगल के पास में यहाँ पे फेंका है, इसके बारे में जो विस्तृत जाँच है वो टीम कर रही है और बहुत ही जल्दी पुलिस के सहयोग से भी और राजस्व विभाग के सहयोग से हम इन कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे और इस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेंगे।